ओम शांति एवरीवन। आज हम बहुत कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं, लेकिन क्या बनाने वाले हैं? आप तो जब कुकिंग करते हो अपने घर में तो किचन गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हो, आग का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आज हम फायरलेस कुकिंग करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ आज ज्वाइन हो रहे हैं हर्ष भाई। हेलो हर्ष भाई। ओम शांति। आप कुकिंग करते हैं? हाँ, हम कुकिंग करते हैं। क्या बनाते हैं आप? हमें तो फेवरेट डोसा है। आप कहाँ से हैं वैसे? हम बनारस। बनारस में क्या स्पेशल है ऐसा? कचौड़ी सब्जी। ओह, तो आप कचौड़ी सब्जी बनाते हैं। हाँ। पर आज पता है हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं कि आज हम आग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। आज हम फायरलेस कुकिंग करने वाले हैं। अच्छा। तो आज आपको पता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिना आग के इस्तेमाल किए बनती हैं? सैंडविच। यस, तो हम सैंडविच भी बनाएंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम एक स्वीट डिश बनाने वाले हैं, फ्रूट क्रीम संडे। तो इसमें क्या यूज होता है, जैसे कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे? तो देखो, आप जब जैसे देख रहे हो, इसमें हमने क्या किया है, जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सोचो ये क्या होगा? ये तो कोको पाउडर टाइप का लग रहा है। नहीं, पर ये कोको पाउडर नहीं है, ये ओरियो बिस्किट नहीं आता है। हाँ। उसको हमने मिक्सी में चला लिया है, तो ये वो मिक्स है विद क्रीम। तो ओरियो बिस्किट्स आप बाजार से खरीदो और उसको मिक्सी में ऐसे पीस लो, क्रश कर लिया, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसमें अनार है, इसमें बनाना है, चेरीज है, मिक्स फ्रूट है, पपाया है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, कीवी है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमने रखे हैं। और ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए हमने रोज़ पेटल्स, और ये क्या है, हमारा चॉकलेट सिरप। तो ये किस लिए है? डेकोरेशन के लिए, और जो कि सबको पसंद आता है। इसमें एक इंग्रेडिएंट और है जो अभी हमने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है फ्रीज करने के लिए, वो है व्हिप्ड क्रीम। तो आप उसको ले आई। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस बोल में हम सबसे पहले ये ओरियो बिस्किट का जो मिक्स है ये हम डालेंगे, इसके बाद हम एक लेयर इसमें व्हिप्ड क्रीम की डालेंगे। लग रहा। फिर हम इसमें फ्रूट्स डालना शुरू करेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कीवी, थोड़े से अनार, थोड़े से बनाना। और दीदी, हम लोग इसमें एप्पल्स फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, हम आपकी जो चॉइस हो वो वैरायटी फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमने इसमें ग्रेप्स डाल दिया, थोड़ा सा ये फ्रूट डाल दिया, फिर इसमें हमने थोड़ा पाइनएप्पल मिक्स कर दिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया। रिच लग रहा है। हाँ, तभी तो टेस्ट आता है ना, और ये हेल्दी भी है, क्योंकि आप क्या खा रहे हो, एक तरीके से आप ढेर सारे फ्रूट्स खा रहे हो विद क्रीम एंड विद बिस्किट। फिर अब हम इस पर एक लेयर फिर से हम क्रीम की डालते हैं, एक लेयर फिर से इसकी डालेंगे, और उसके बाद हम एक लेयर और फिर से बिस्किट की इस पर लगाएंगे। फिर चाहे तो हम इस पर थोड़ा सा, थोड़े से फ्रूट्स और लगा सकते हैं ताकि इसमें थोड़ा डेकोरेशन हो जाए, थोड़ा बनाना, जो फ्रूट आपको पसंद हो। जैसे मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है। आपको इनमें से कौन से फ्रूट्स पसंद हैं? मुझे तो बनाना पसंद है। बनाना पसंद है, तो हमने बनाना तो डाला है, कीवी हमने डाला है, और अभी हम एक लेयर और लगाते हैं इसके ऊपर। और अभी हम इसके ऊपर डालते हैं रोज पेटल्स, और फिर चॉकलेट सिरप से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। ये बन गया हमारा फ्रूट क्रीम संडे। और हाँ, ये हम कीवी को यहाँ पे डेकोरेट कर देते हैं। जस्ट लुक एट इट, कितना सुंदर लगता है ये, कितना अच्छा लगता है हमारा फ्रूट क्रीम संडे। तो ऐसे आप भी ढेर सारे फ्रूट्स के साथ और
ड्राई फ्रूट्स के साथ और ओरियो बिस्किट इस्तेमाल करके इतनी अच्छी चीज़ बना करके खा सकते हैं और बिना आग का इस्तेमाल किए, है ना? ये लाजवाब, आप भी ट्राई करो अपने घर में। ओके हर्ष।